चलिए आज हम जानते हैं कि फ्रिज काम कैसे करता है, इसका वर्क क्या है और इसमें कितना पार्ट लगा होता है, कौन पार्ट है, क्या नाम है और वो काम कैसे करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऐसा आपको फ्रिज में दिखता होगा, इसका नाम कंप्रेसर है और एक पार्ट ये है जिसका नाम कंडेंसर है और एक पार्ट ये पार्ट थ्री जिसका नाम फिल्टर है, एक और ये पार्ट है जिसका नाम एक्सपेंशन है और ये लास्ट पार्ट कूलिंग चैम्बर जो फ्रिज के अंदर लगा होता है। ये सारा काम क्या 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 काम है पूरे का आज पूरे डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कंप्रेसर काम क्या होता है। कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर है जो कि एक साइड से प्रेशर खींचता है, सक्शन से खींचता है और डिस्चार्ज से वही प्रेशर बाहर निकालता है, ठीक है। और गैस चार्जिंग काम यही होता है, यहाँ से हम लोग गैस भर सकते हैं या प्रेशर डाल कर उसको चेक कर सकते हैं। गैस चार्जिंग का मतलब इसे हम लोग गैस चार्ज कर सकते हैं। और सक्शन काम है खींचना और डिस्चार्ज काम क्या है, वही जो हवा खींचेगा उसी हवा को बाहर निकालना है, ठीक है। कंडेंसर काम क्या है, कंडेंसर काम ये है कि इसके अंदर जो भी हमारा गैस जाता है ये वेपर से द्रव में बदलने का काम करता है। कंडेंसर काम यही है, जो भी इसके अंदर गैस जाता है उसको वेपर से द्रव में बदल देता है। और फिल्टर काम ये है कि इसके अंदर थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर रहता है, कचरा रहता है, फिल्टर काम उसको छानना, यानी इसके अंदर थोड़ा बहुत डस्ट हो गया, कचरा चल गया, तो फिल्टर काम है क्या है उस कचरे को छानना, ठीक है। और एक्सपेंसर काम क्या है, तो यहाँ से जो प्रेशर आता है, हाई प्रेशर यहाँ पे आता है, जो फिल्टर है, फिल्टर का मुंह एक मोटा होता है और एक पतला होता है, ठीक है। और ये भी पाइप पतला होता है, इस पाइप को हम यहाँ जोड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हाई प्रेशर में यहाँ से आता है, यहाँ से हाई प्रेशर गैस आता है और यह मुंह पतला होता है, इसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो जो फिल्टर यहाँ पतला पाइप लगाया ना होता है, हाई प्रेशर से क्या करता है कैपेरी लो प्रेशर में बदल कर और यहाँ पे बारिश करता है। इसमें कैपेरी काम यही होता है कि जो हाई प्रेशर से जो गैस आ रहा है उसको लो प्रेशर में बदल देना। कैपेरी काम यही कि जो हाई प्रेशर से गैस जो आ रहा है उसको लो प्रेशर में चेंज कर देना और इसमें लाकर उसको गिरा देना, ठीक है। ये मोटर पाइप है और इसको हम लोग बोलते हैं कूलिंग चैम्बर। यहाँ से फुल प्रेशर में आता है गैस, कैसे कर देते हैं, डिस्चार्ज पाइप है, डिस्चार्ज पाइप में इसको जोड़ दे रहे हैं। ये जो इधर इधर सब गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर आएगा यहाँ पे। और कंडेंसर काम क्या है, हाई प्रेशर से जो मतलब गैस इसमें रहता है इसमें क्या करता है, गैस कंडेंसर जो है ये जो इसमें गैस आता है या पूरा हाई प्रेशर पूरा फुल हीट रहता है गैस पूरा हीट रहता है। तो कंडेंसर काम है कि जो गैस है उसको पूरा घुमाते 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 यहाँ तक आता है, मतलब तो वो गैस क्या होता है ठंडा हो जाता है, ठीक है। और वेपर से द्रव में बदल जाता है और वहां से फिल्टर जुड़ा रहता है यहाँ से। तो फिल्टर क्या होता है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है, कचरा चल जाता है कचरा, तो उसी कचरा को फिल्टर छान देता है। उसके बाद यहाँ से कैपेरी में आता है गैस, कैपेरी में आता है तो हाई प्रेशर से यहाँ पे मोटा पाइप है पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा मोटा पाइप रहता है, यहाँ पूरा हाई प्रेशर रहता है और हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कैपेरी बदल देता है और वहां से गैस इसके अंदर आता है कूलिंग चैम्बर, इसको बोलते हैं हम लोग कूलिंग चैम्बर। यहाँ तक आता है तो गैस पूरा ठंडा हो जाता है और इसके अंदर पूरा गैस घूमने लगता है, यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आके यहाँ गिरता है गैस इसके अंदर बारिश की तरह और यहाँ पे ये पूरा पाइप ठंडा हो जाता है। फिर यहाँ सेक्शन से क्या करता है, सेक्शन काम क्या है खींचना। तो फिर यहाँ से वो गैस क्या करता है, फिर वो गैस जो यहाँ लास्ट में आएगा फिर वो गैस खींच लेगा और फिर से डिस्चार्ज होगा और फिर जाएगा अंदर, फिर इसमें घूमेगा घुमा घुमा के। अब देखिए कंप्रेसर काम क्या है, ये गैस जो है वो इसमें डालने पर क्या होता है कि जो थोड़ा कंप्रेसर होता है ना, कंप्रेसर हीट होता है, तो जो गैस होता है ना थोड़ा सा हीट पाने पर वो बहुत अधिक हीट हो जाता है। तो कंप्रेसर क्या होता है, हीट रहता है, थोड़ा सा अंदर गैस इसमें डाल दिया और गैस थोड़ा सा हीट हो रहा है ना तो बहुत ज्यादा गैस हीट हो जाता है, उसमें उबलने लगता है। तो उस उबलने के प्रक्रिया को ये क्या करता है, कंडेंसर ठंडा करता है उसी गैस को, ये घुमा घुमा कर गैस को ठंडा करता है और फिल्टर छानता है और कैपेरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर बदल कर कूलिंग चैम्बर में रखता है, तो वही गैस यहाँ ठंडा होता है और ऐसे ही ज्यादा काम करता है। कंप्रेसर का काम देखे तो एक साइड खींचना और एक साइड से फेंकना, यही काम है कंप्रेसर का।